साथियों, डॉक्टर दिवस पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व में आज के दिन 1 जुलाई को विश्व डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। आज डॉक्टर्स के योगदान के संबंध में चर्चा की जाती है, डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया जाता है और उनकी प्रशंसा की जाती है। निश्चित रूप से वो इस प्रशंसा के पात्र हैं। हमारे देश में अगर हम सीधे सीधे देखें तो 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 वर्ष थी, आज 2020 में वो लगभग 70 वर्ष हो चुकी है। डॉक्टर्स की आलोचना बहुत होती है, लेकिन कितने सारे बैक्टीरिया, कितने वायरस की डिजीज़, कितनी कैलामिटीज़, कितनी आपदाओं से, कितने युद्धों से और कितने दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, चाहे रोड एक्सीडेंट हो चाहे अन्य एक्सीडेंट हो, कितने पेशेंट्स को वो ठीक करते रहे हैं। मरते हुए आदमी के लिए आशा की किरण का काम करते हैं डॉक्टर्स, और कितने खतरे से मोल लेते हैं, कितने डॉक्टर्स उन्हीं इन्फेक्शन से मर जाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता। कभी कमी होती है साधनों की, कभी कुछ, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वो पेशेंट के लिए जादूगर, करिश्माई व्यक्तित्व तो होते हैं, और आजकल खासतौर से कोरोना के समय में डॉक्टर्स का धन्यवाद और अधिक देना चाहिए। अभी पीछे लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी एक डॉक्टर्स के संबंध में, जिसमें डिस्कस किया गया कि किस तरह से गरीबों को मदद की जा सकती है। गरीबी और हेल्थ दोनों का बहुत बड़ा संबंध है, दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। अगर डॉक्टर्स पे बैक टू सोसाइटी के लिए तैयार हो जाएं, वैसे हर डॉक्टर पे बैक टू सोसाइटी करता है, कितना ही भी कम करता हो फिर भी वो एक बड़े से बड़े अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि से ज़्यादा डॉक्टर काम करता है सोसाइटी के लिए। अगर 2 घंटे अलग से, भले ही वो एक सप्ताह में हो चाहे एक महीने में हो, जो BPL कार्ड धारक हैं उनकी मदद के लिए वो आगे आ जाएं और उस समय उनकी फ़ीस माफ़ी कर दें या आधी माफ़ कर दें, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बहुत सी बीमारियों का क्षेत्र ऐसा है जो अप्रत्यक्ष रूप से हम दूर कर सकते हैं अगर हमारे डॉक्टर ये ठान लें। ये बात सही है कि एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, अकेले उसके लिए सिर्फ कंपेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर इंटेलिजेंट प्लानिंग नहीं है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर्स, समाज के जो NGO वगैरह हैं उनके साथ लेकर के, और सरकारी अमले के भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी स्कीम हैं जो स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उनसे भी मदद लेकर के बहुत से इस तरह के कैंप लगाए जा सकते हैं, जिससे न सिर्फ गरीबों को मदद मिलेगी बल्कि पूरी तरह से उनके प्रोफेशन के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और एक बहुत बड़ा मोरल सेटिस्फेक्शन होता है अपने प्रोफेशन का, और समाज में जो कृतज्ञता उनके प्रति आती है उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर के हम हेल्थ लिटरेसी को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर्स चाहें तो अलग से स्पेशल कैंप लगा के स्कूलों में और कार्यालयों के अंदर, सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे 1 घंटे का कैंप हो, हेल्थ लिटरेसी बढ़ाई जा सकती है। जो टिप्स हैं हेल्थ के संबंध में लोगों को जानकारी दी जा सकती है। मेडिकल कैंप लगाए सकते हैं, कभी डायबिटीज़ का कैंप है, कभी आई कैंप है, कभी BP और शुगर का कैंप है। छोटे छोटे एक एक दो दो घंटे के कैंप भी लगाना बहुत बड़ी चीज़ है उन लोगों के लिए जो लोग लापरवाही करते हैं, दवाई नहीं खा पाते समय से, और जो लोग चाहते हैं कि समाज में काम करें, ऐसे डॉक्टर्स बहुत मदद कर सकते हैं। हमारी स्पोर्ट्स मेडिसिन के ऊपर बहुत काम नहीं हुआ है, स्पोर्ट्समैन को भी हेल्प चाहिए वो आगे निकलने के लिए। पता लगा छोटी से छोटी चोट से घबरा करके, छोटी से छोटी बीमारी से घबरा करके लोग अपने स्पोर्ट्स में काम करना बंद कर देते हैं, उनको भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो जनसंख्या से जुड़ा हुआ है सीधी तरह से, उसके बारे में अगर शिक्षित करेगा डॉक्टर करेगा तो उनको बात ज़्यादा समझ में आती है, सरकारी स्कीम की बातें उतनी समझ में नहीं आती। बैलेंस्ड फैमिली अप्रोच बहुत आवश्यक है पूरी दुनिया को अगर पहचाना है, और ख़ासतौर से भारतीय संस्कृति में बैलेंस्ड फैमिली अप्रोच की शिक्षा देनी अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश में लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट का इंडेक्स बहुत कम है। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट के कैंप लगाए जाएं डॉक्टर्स की मदद से, NGOs की मदद से, तो डॉक्टर्स को बहुत फ़ायदा भी होगा और पेशेंट्स भी उससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। एंटी सुपरस्टिशन कैंप भी लगाए जा सकते हैं। बहुत से लोग तो बीमार इसलिए हैं कि वो कहीं ना कहीं अंधविश्वासों के चक्कर में ग्रस्त हैं, और उनकी वजह से वो दवाई में विश्वास नहीं करते, डॉक्टर में विश्वास नहीं करते। उसके लिए भी गांव में अच्छे कैंप लगाए सकते हैं। मैंने देखा है बहुत बार हमारे पुलिस के पास भी इस तरह के केस आते हैं कि
लोगों को विश्वास नहीं है दवाइयों में, उनको अपने अपने गांव के आसपास के अंधविश्वासों में, ऐसी दवाइयों में जो जहरीली भी हो सकती हैं उनको वो बिना किसी पूछे हुए ले सकते हैं, या ऑन द काउंटर मेडिसिन ले करके सीधे किसी के बताने से। और हर आदमी अपने आप को ये सोचता है कि मुझे सेहत के बारे में सारी चीज़ें जानकारी है, बहुत से मामले में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता, सिर्फ अपनी गलतफहमी से कि मैं उस दवाई से ठीक हो गया था, तो वो चाहता पूरी दुनिया शायद उसी से ठीक हो जाएगी। तो इस तरह के मिथ्स वगैरह जो है वो भी हेल्थ की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके लिए खतरनाक है। एंटी सुपरस्टिशन कैंप भी लगवाए जा सकते हैं, डायरेक्टली लगाएं चाहे इनडायरेक्टली। अधिकतर बीमारियों में सैनिटेशन का बहुत बड़ा काम होता है, अगर कैसे सफाई रखी जाए उसके लिए बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को और बुज़ुर्गों को अगर बताया जाए स्पेशल कैंप लगा करके, तो उससे भी मेडिकल प्रोफेशन का अप्रत्यक्ष फ़ायदा होगा और समाज को भी फ़ायदा होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी कम ध्यान दिया जा रहा है, इसमें रिसर्च को अगर ध्यान दिया जाएगा तो उसमें जो अनुभव हैं डॉक्टर्स के वो अगर शेयर किए जाएं, ऑनलाइन शेयर करें, चाहे वो अपना लिखित में मैगजीन्स को दें, लेकिन हर आदमी के कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, हर डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया को लाभान्वित कर सकता है। बहुत से सिंड्रोम ऐसे हैं जिसके संबंध में परिवार को कैसे व्यवहार करना है, परिवार को कैसे उसको सपोर्ट करना है, क्या मेडिकेशन करना है, उसकी जानकारी भी जनसाधारण को नहीं होती है। इसके संबंध में भी अगर स्पेशल सिंड्रोम के कैंप्स लगाए जाएं तो वो लोग जो लोग सिंड्रोम की वजह से कभी आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं, कभी क्राइम का शिकार हो रहे हैं, कभी अन्य बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो वो लोग काफ़ी शिक्षित होकर के और उसमें अच्छी तरह से सहयोग कर सकते हैं उनको। वीमेन के बारे में उनके हेल्थ कैंप अलग से आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के संबंध में, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के संबंध में लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो उसके संबंध में कई बार साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रेस रहता है, उसकी जानकारी भी, डिप्रेशन की जानकारी भी अलग से कैंप लगा करके दी जा सकती है। जो गरीबों में ज़्यादा है, जो फीस पे नहीं कर पाते हैं या कम फीस दे पाते हैं, तो ऐसी चीज़ें, खास तौर से न्यूट्रिशन का जो कैंप है उससे भी बच्चों का काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अगर न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाए और समय से दवाइयाँ ली जाएँ, तो पूरा हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पश्चिमी देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनसे अच्छी हो सकती है। अभी एक डॉक्टर बर्नार्ड हैं, उनका बहुत अच्छा लेख आया था कि वाकई इंटेलिजेंट प्लानिंग के साथ अगर हम लोग अपने कंपेशन को लेकर के आएंगे, डॉक्टर्स हो सकता है कि कभी कभी फ़ायदे की बात कम हो, लेकिन उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्रोफेशन को भी लाभ मिलेगा और पे बैक टू सोसाइटी भी अच्छा होगा। हेल्थ फॉर ऑल एक नैतिक और ख़ास तौर से फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, और अगर इस तरह के जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देने के लिए भी अगर डॉक्टर्स तो आधा एक घंटा निकाल लें, पर रोज़ नहीं लेकिन हफ्ते में या महीने में, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कम्युनिटी को, देशवासियों को भी। अब बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स डे पर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।